नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। आईपीएल 2023 में 11 मई का दिन आप याद रख लीजिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने यहां पर इतिहास रचा है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने न केवल केकेआर को बुरी तरह रौंदते हुए मैच हराया है, बल्कि दो दो खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। लेकिन दूसरे खिलाड़ी की बात बाद में करेंगे, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बनके उभरा है उस खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल, जिसने केकेआर की गेंदबाजों की धुनाई इस कदर की कि वो सालों साल इस धुनाई को भूल नहीं पाएंगे। यशस्वी जायसवाल ने केवल 13 गेंद पर हाफ सेंचुरी जमाते हुए बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इसी के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 जड़ने वाले वो खिलाड़ी बन गए। जी हाँ, 13 गेंद पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड था किसके नाम पर, केएल राहुल के नाम पर, जिन्होंने पंजाब की साइड से खेलते हुए रिकॉर्ड बनाया था। वहीं पैट कमिंस ने भी केकेआर की तरफ से खेलते हुए 14 गेंद पर ही अर्धशतक लगाया था। मतलब केएल राहुल ने भी 14 गेंद पर अर्धशतक लगाया था, पैट कमिंस ने भी 14 गेंद पर अर्धशतक लगाया था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 13 गेंद पर अपनी 50 जमा ली। अब यशस्वी जायसवाल के सामने जो गेंदबाज आया, तो सबसे पहले ओवर में नितीश राणा है, जिन्होंने पहले ही ओवर में 26 रन खा लिए। इसके बाद हर्षित राणा आए, वो भी पिटे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर आए, वो भी पिटे। मतलब सामने जो आया सब पिटा। क्या वरुण चक्रवर्ती, क्या सुनील नारायण, क्या सुरेश शर्मा, आज यशस्वी जायसवाल के सामने जो आया वो सब पिटा। अब ये पारी देखने के बाद क्रिकेट दिग्गज उनकी तारीफ ना करे, ऐसा हो कैसे सकता है? क्रिकेट फैन तो कर ही रहे हैं। अब विराट कोहली ने भी ये इनिंग देखने के बाद कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी पारी नहीं देखी। उन्होंने जैसे उनकी 50 पूरी हुई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भी कहा कि देखिए वाह क्या पारी है, जल्द से जल्द यशस्वी जायसवाल को टीम में ले आइए। और उन्होंने टैग किया BCCI को। वहीं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि ये यशस्वी भी है और कारनामा भी अच्छा करता है। आप देखिए आपके स्क्रीन पे ट्वीट चल रहे हैं, तो अब आप यशस्वी जायसवाल की पारी के बारे में क्या कहेंगे, उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बारे में आप क्या कहेंगे, और यशस्वी जायसवाल को क्या टीम इंडिया में मौका मिल जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।